हेलो दोस्तों, वेलकम बैक प्रीति ब्लॉग हल्द्वानी। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो फिर से बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको फुल स्लीव्स की कटिंग दिखाऊंगी। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखना, मैंने उसमें ये जो सूट है इसकी कटिंग करना सिखाया है, तो बहुत आसानी से मैंने कटिंग सिखाई है। तो साथ ही ये पूरा ऑल ओवर कपड़ा है, तो इसमें ये है हमारा सलवार का कपड़ा जिसे हम अभी साइड कर देंगे, और ये है हमारा बचा हुआ कपड़ा जिसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो लेंथ ये बचे हुए कपड़े की पूरी 2 मीटर है और चौड़ाई 20 है। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी चौड़ाई है हमारी 20 और लंबाई हमने जो बाजू की बनानी वो बनानी है हमने 90। तो ये बनानी है हमने 19, हमने बाजू की लेंथ लेनी है, तो लेंथ से हम इसका डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये इसकी 19 इंच लेंथ हमने ले ली है, तो लेंथ से हम इसको कट कर देंगे बराबर। दोस्तों, वीडियो बहुत शॉर्ट और बहुत आसानी से बहुत सरल मेथड में मैं आपको सिखाऊंगी। ये वीडियो बिगनर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कटिंग करने में। तो ये मैंने वेस्ट कपड़ा साइड कर दिया जिसमें से हम पजामा निकालेंगे। तो अभी मैं इस कपड़े को पहले बराबर कर लेती हूँ। दोस्तों, होप आप लोग को वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, ये है हमारी कपड़े की चौड़ाई। तो चौड़ाई ये है, तो हम 2 फोल्ड हमने ये किया हुआ है, उसके बाद हम 2 फोल्ड और कर देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 4 फोल्ड कपड़ा। तो इसमें हम 2 बाजू को निकालेंगे। जो बंद साइड है ये अपनी साइड रखना है, और ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा खुला है, ये खुले भाग है, बंद भाग को अपनी साइड को कर लेना है। तो अब हम दोस्तों इस पे हम निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारे बंद साइड है, हमारी साइड है, इसी के ठीक अपोजिट साइड ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई इस साइड से जो बंद भाग है, इसके ठीक अपोजिट साइड फुल बाजू में हमें यहां से 3 इंच पर एक निशान लगाना होता है, इस तरह से। ये निशान दोस्तों, जो हमारी बगल होती है वो नीचे से झुकी हुई होती है, जो नीचे से बगल होती है उसमें अगर हम पूरा कपड़ा लेंगे तो हमारी बगल में चुन्नटे आ जाएंगे, तो इसीलिए हमें इतना कपड़ा क्रॉस करना होता है। तो यहां से हम ये जो हमारी ऊपरी भाग है बाजू का, यहां तक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया। तो दोस्तों, इस निशान का जो मिडिल भाग है, तो ये हमारा 11 है, तो 5.5 पे हमारा मिडिल भाग आ रहा है। तो ये हमारा मिडिल भाग है, तो इस पे से हमें एक कर्व लाइन देनी है। तो इस तरह से हमें ये हमने गोलाई दे दी है। तो दोस्तों, जो हमारा फ्रंट भाग आएगा उसमें हम इसे काटेंगे, तो मैं उसे आगे को बताऊंगी। अभी आप ये समझ लीजिए, हमने इस कटिंग पे ही काटना है। अब हमने यहां से लेना है जो हमारे ये पोर्शन है, हमारा ऊपर का पोर्शन है, इसी के ठीक नीचे हमारी जो मोहरी है वो 12 इंच की है, तो यानी कि 12 का हाफ 6 इंच। तो 6 पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें यहां से यहां बाजू को ज्वाइंट कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप लोग जरूर अपनाइएगा इसे। इस तरह से इसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए हमें पहले जो ऊपर वाला राउंड है इसे काटना होगा। अब हमें बाजू का जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है उसे काटना होगा।
तो दोस्तों ये हमने कटिंग कर ली है, अब हमें ये जो तिरछी लाइन है इसे काटना है। तो दोस्तों ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है, अब हम इसे खोलेंगे। ये हमारा ये बंद भाग हमारा ये है, तो अब हमने जो ये हमारे यहां से बाजू जुड़ी हुई है तो हम इसे बराबर कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने दो बाजू को अलग कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो आगे वाले भाग में है उसमें हमें गहराई देनी है, तो हमें क्या करना होगा, देने को आप वैसे भी दे सकते थे लेकिन मैं इस तरह से इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये आसान होता है बिगनर्स के लिए। तो दोनों बाजू को हमें या तो उल्टा या सुलटा जैसे भी रखें लेकिन दोनों बाजू को एक समान रखें। तो मैंने रख दिए हैं दोनों बाजू को आमने और सामने। ये देखिए ये दोनों हमारे कंधे हैं और ये हमारा नीचे का बगल का भाग है। तो जो हमने ये निशान गहराई वाला लगाया था इसे हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसे आधा इंच की गोलाई देकर कट कर लिया है जिससे हमारे बाजू में झोल ना आए। इसी तरह हम इसे भी कट कर लेंगे। एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, ये वाले पोर्शन में हमें यहां से कट नहीं करना था क्योंकि यहां से हमारी फिटिंग होती है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो होप आप लोग की कटिंग बहुत ही अच्छी और सही बैठेगी। दोस्तों हमने बाजू कटिंग भी कर ली है, अब हम जो गले में लगाने वाली पट्टी होती है उन्हें काटेंगे। और एक पट्टी को काटेंगे तो ये कुछ कपड़े के टुकड़े बचे हुए हैं तो इन्हीं में से मैं और एक पट्टी निकालूंगी। तो पहला कपड़ा मेरा ये है, ये थोड़ा ये तिरछा है, ये देखिए दोस्तों स्ट्रेच हो रहा है। ये सीधा है तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो इधर वाला स्ट्रेच हो रहा है तो हम इधर से और एक पट्टी निकाल लेंगे। और एक पट्टी से हमारा गला बहुत अच्छा बनेगा और फिनिशिंग भी आएगी, इसीलिए हमें और एक पट्टी काटनी होगी। ये देखिए दोस्तों पहली और एक पट्टी हमारी कट चुकी है। दोस्तों मैं निशान लगा के अभी नहीं बता रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने निशान लगा के बताया था 1.5 इंच के गैपिंग में हमें और एक पट्टी काटनी होती है। अभी मैं बिना इंची टेप के काट ले रही हूँ। तो जिसने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को वॉच करके और एक पट्टी काटना सीख सकते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सिलाई कुर्ती स्टिचिंग का और फिटिंग का फुल ट्यूटोरियल आने वाला है, तो होप आप लोग उसको भी फुल वॉच करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंडिंग करते हैं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक।